Bismillah, Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Aao Quran aur Namaz samjhein aasan tareeqe se 3 minute series mein. Sabak number 14 bhi jisme hum grammar seekhenge. Is sabak ke khatam tak hum 58 aise alfaz seekh chuke honge jo Quran mein taqreeban 19,950 baar aate hain. MashaAllah. Grammar seekhte waqt TPI zarur istemal kijiye, yani suniye, dekhiye, sochiye, boliye, bataiye, dil se kijiye aur milkar kijiye. Aaj ke sabak mein hum harf jar B lenge. जो ही हिम का ई कुम ना और हा के साथ मिलकर कुरान में तकरीबन 500 बार आया है हमने सीखा कि बी यानी से मसलन बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से तो बी यानी से तो बिही यानी उससे और बिहिम यानी उन सब से एक अहम बात बिहू बिहुम कहने के बजाय बिही बिहिम कहना आसान होता है इसलिए अरबों ने इसे बिही बिहिम कर दिया बकिया अल्फाज वैसे ही हैं बिका बी बिकुम बिना वगैरह तो फिर तर्जुमा कीजिए इशारों के साथ बिही उससे बिहिम उन सब से बिका आप से बी मुझसे बिकुम आप सब से बिना हम सब से एक बार और बिही उससे बिहिम उन सब से बिका आपसे बी मुझसे बिकुम आप सबसे बिना हम सबसे अब लेते हैं अरबी बोलचाल लेकिन इससे पहले नोट कर लें कि हर्फ जर के एक से ज्यादा तर्जुमे हो सकते हैं सियाक व सबाक को देखते हुए अल्लाह हर एक पर रहम करने वाला है अरबी में किसी पर रहम करने वाले के लिए कहते हैं रहीमुन बी यहाँ बी का तर्जुमा होगा पर तो सवाल है क्या अल्लाह रहम करने वाला है उस पर अरबी में होगा हल अल्लाहु रहीमुन बिही और आप जवाब में कहेंगे नाम अल्लाहु रहीमुन बिही माशाअल्लाह इसी तरह हल अल्लाहु रहीमुन बिहिम नाम अल्लाहु रहीमुन बिहिम हल अल्लाहु रहीमुन बिका नाम अल्लाहु रहीमुन बी क्या अल्लाह रहम करने वाला है आप पर हाँ अल्लाह रहम करने वाला है मुझ पर और इसी तरह हल अल्लाहु रहीमुन बिकुम नाम अल्लाहु रहीमुन बिना माशाअल्लाह हम पढ़ चुके हैं रब्बी ही उस मर्द का रब रब्बिहा उस औरत का रब बिही उस मर्द से और बिहा उस औरत से माशाअल्लाह इतना ही काफी जजाकुमुल्लाह खैर वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू